पिछले जो वीडियो था उसमें हम लोग सीखे थे कि कैसे ट्रेडिशनल मेथड से इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि बिना ट्रेडिशनल मतलब कि शॉर्ट ट्रिक से कैसे हम लोग इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इनइक्वालिटी सॉल्व करने के पहले हम लोग को साइन के बारे में कुछ जानना होगा, कॉन्वर्जन ऑफ साइन। ठीक है, कॉन्वर्जन ऑफ साइन। देखिए, पिछले वीडियो में मैं एक इक्वेशन ली थी, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि दो साइन है, दैट इज प्लस, दैट इज प्लस। टू साइन है, वो क्या है, प्लस एंड प्लस। ठीक है, अगर कोई भी इक्वेशन में प्लस प्लस साइन रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए। इसलिए अब यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, प्लस हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, माइनस माइनस दोनों हो सकता है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसलिए हम लोग को एक चार्ट तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, अगर प्लस और प्लस हो तो क्या होगा, माइनस एंड माइनस। अगर माइनस या प्लस हो तो क्या होगा, प्लस एंड प्लस। अगर प्लस या माइनस हो तो क्या होगा, माइनस एंड प्लस। अगर माइनस एंड माइनस हो तो क्या होगा, प्लस एंड माइनस। देखिए, इस चार्ट को हम लोगों को अच्छे से मेमोराइज करना पड़ेगा। इसी चार्ट से हम लोग का हर इनइक्वालिटी सॉल्व हो जाएगा आसान से। क्या होगा, अगर प्लस प्लस हुआ तो माइनस माइनस, माइनस प्लस हुआ तो प्लस प्लस, प्लस माइनस हुआ तो माइनस प्लस, माइनस माइनस हुआ तो प्लस माइनस। ठीक है, अभी मैं दो इक्वेशन लेती हूँ। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32 इक्वल्स टू 0, एक इक्वेशन नहीं है, मैं एग्जांपल से सॉल्व करके आप लोगों को सिखाती हूँ। ठीक है, अभी और एक इक्वेशन, y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 इक्वल्स टू 0। ये मैंने दो इक्वेशन ली। ठीक है, देखिए, फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है उसमें दो साइन है, एक है माइनस और एक है प्लस। ठीक है, तो चार्ट से क्या पता चलता है, अगर इक्वेशन में माइनस प्लस साइन हुआ तो क्या होगा, प्लस प्लस। जो एक्स का वैल्यू निकलेगा वो प्लस प्लस होगा, दैट इज एक्स इक्वल्स टू प्लस, एक वैल्यू होगा और प्लस अनदर वैल्यू होगा। ठीक है, अब वैल्यू कैसे निकाले, मिडिल टर्म करना पड़ेगा। देखिए, 32 दिया हुआ है, 32 को कैसे तोड़े कि 12 आ जाए। 32 को तोड़ते हैं, 28 सर, 24 सर, 22 सर। देखिए, 22 सर 4, 42 सर 8, 8 और 8 2, 4। तो 8 और प्लस 4 करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 12। तो हमारा वैल्यू क्या, कौन सा होगा, 8 और 4। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 8 और 4। ठीक है, ये तो गया हम लोग का पहले वाला इक्वेशन। अब नेक्स्ट वाला इक्वेशन, नेक्स्ट वाला इक्वेशन को मैं इधर लिखती हूँ, y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अब 12 को कैसे तोड़े कि 7 आ जाए। देखिए, 4 3 12 होता है, तो 4 और 3 अगर प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा।
तो y स्क्वायर, y का वैल्यू क्या क्या आएगा देखिए, इधर जो दो साइन है वो क्या है, प्लस एंड प्लस, तो प्लस प्लस के केस में क्या आएगा, माइनस एंड माइनस, तो माइनस फोर एंड माइनस थ्री निकल गया हम लोग को दो वैल्यू। अब देखिए x इक्वल्स टू आया 8 और 4, y इक्वल्स टू आया माइनस फोर और माइनस थ्री। अब हम लोग कंडीशन क्या, किस कंडीशन हो रहा है वो हम लोग देखेंगे, कौन सा कंडीशन आया। देखिए x इक्वल्स टू 8, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं x का वैल्यू, यहाँ पे लिखते हैं y का वैल्यू, 8 और 4, माइनस फोर और माइनस थ्री। देखिए 8 क्या है, माइनस फोर से ज्यादा है तो गेट आ दें, 4 भी माइनस थ्री से ज्यादा है तो गेट आ दें। अब इन दोनों में चेक कीजिए, 8 क्या है, माइनस थ्री से गेट आ देना, यहाँ पे भी 4 माइनस फोर से गेट आ देना है, तो क्या आया x गेट आ देन y, तो रिलेशन क्या आया x गेट आ देन y, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो x के स्क्वायर के पहले कुछ डिजिट दिया हुआ नहीं है, अगर कोई भी डिजिट दिया हुआ हो तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं एक इक्वेशन लेती हूँ, 12x² माइनस x माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, 12x² माइनस एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, एक और दो नंबर पे है 20y² माइनस 41y प्लस 20 इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, देखिए पहले क्या दिया हुआ है, 12 और माइनस वन, अगर 12 और माइनस वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा, माइनस 12, ठीक है। अब माइनस 12 को कैसे तोड़े कि यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है, वन आ जाए। देखिए 4 थ्री जो 12 होता है, अगर 4 से 3 माइनस करेंगे तो वन आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या क्या साइन दिया हुआ है, माइनस माइनस, माइनस माइनस के केस में क्या आएगा, प्लस माइनस, प्लस हमेशा क्या होगा, पहले हमेशा हम लोग जो बड़ा डिजिट है उसको लिखेंगे, जैसे कि 4 और 3 से आ रहा है तो 4 बड़ा है तो 4 को पहले लिखेंगे, दैट इज प्लस 4 और माइनस 3, x का वैल्यू क्या आया, प्लस 4 और माइनस 3। यहाँ पे क्या है, माइनस और प्लस, सॉरी यहाँ पे और एक केस बचा हुआ है, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर के पहले क्या है, 12 है, x का वैल्यू निकल गया प्लस फोर माइनस, यहाँ इसको क्या करेंगे हम लोग, 12 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आया, 4, दैट इज x का वैल्यू निकल के आएगा 1/3 एंड माइनस 1/4। अगर x के सामने जो डिजिट रहेगा उसको हम लोग x का जो वैल्यू निकलेगा उस इससे हम लोग डिवाइड कर देंगे, एक्स स्क्वायर के सामने जो डिजिट रहेगा उससे हम लोग एक्स के वैल्यू को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। देखिए माइनस माइनस वाई, यहाँ पे क्या साइन है, माइनस प्लस, माइनस प्लस के केस में क्या निकल जाएगा, प्लस प्लस, ठीक है, वाई समान प्लस प्लस, वाई कल्स टू प्लस और प्लस। देखिए यहाँ पे क्या क्या है, 20 और 20, 20 और 20 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 400 को कैसे तोड़े कि 41 आ जाए। देखिए इसको तोड़ लेते पहले, 200 150 225 55, ठीक है ना,
देखिए इसको कैसे हम लोग जोड़ सकते हैं, 2 2 4 2 8 2 16, 16 को अगर 5 5 25 25 ऐड कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, 41। तो दो वैल्यू क्या आएगा, पहला वाला 25, दूसरा वाला 41। इसको हम लोग क्या करेंगे, 20 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर दी, यहाँ पे अप्रोक्स मान निकल के आएगा 21 20.2445, 1.25। ठीक है, और यहाँ पे आएगा 21 20 1.5। ठीक है, दो डिजिट तक लेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे आसानी से हम लोग को इतना भी मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ेगा, आसानी से हम लोग को दिख रहा है कि हमेशा वाई एक्स से बड़ा है, दैट इज एक्स का वैल्यू -1/3 -1/4 है, वाई का वैल्यू, इसको हम लोग डिवाइड नहीं भी करे तो भी हम लोग को समझ आ रहा है कि वाई एक्स से बड़ा है, 20 41 20। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस माइनस है, माइनस माइनस मतलब क्या, हमेशा छोटा वाई से छोटा, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, मतलब क्या वाई एक्स से बड़ा है, तो रिलेशन क्या निकल के आएगा, एक्स लेस देन वाई। दो कंडीशन हम लोग को मिल गए, एक हम लोग देखे कि एक्स ग्रेटर देन वाई हो रहा है और एक दिख रहा है कि एक्स लेस देन वाई हो रहा है। ठीक है, अब देखिए ऐसे से हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से, लेकिन कुछ कंडीशन है जिसको हम लोग देख के ही बता सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा कंडीशन आ रहा है, कुछ इक्वेशन है। जैसे कि देखिए अगर कोई भी इक्वेशन ऐसा हो कि मान लीजिए a1x² + b1y - b1y + c1 = 0 और a2y² - b2y + c2 = 0। अगर ऐसे टाइप का कोई भी दो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा तो हम लोग इसको देख के ही बता सकते हैं यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा। देखिए यहाँ पे इन दोनों पे प्लस होगा और इन दोनों पे माइनस प्लस होगा, तो हमेशा ये जो रिलेशन क्रिएट करेगा वो होगा एक्स ग्रेटर देन वन, रूल वन, एक्स ग्रेटर देन वन आएगा, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस यहाँ पे प्लस अगर होगा तो हमेशा ये एक्स ग्रेटर देन वाई कंडीशन सेटिस्फाई करता है। आप लोग कोई भी इक्वेशन लेके सॉल्व करके देख सकते हैं। तो ये तो गया पहला रूल, जहां पे माइनस एक्स में माइनस है तो एक्स हमेशा ग्रेटर देन वाई हो जाएगा, इसको ऐसे मेमोराइज कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस प्लस यहाँ पे माइनस प्लस और जहां पे माइनस है वो हमेशा बड़ा हो रहा है इस केस में। ठीक है, और एक केस लेते हैं a1x² + b1x + c1 = 0 और a2y² - b2y + c2 = 0। देखिए यहाँ पे भी प्लस प्लस है और यहाँ पे प्लस माइनस है, यहाँ पे कौन से इक्वेशन में माइनस है, वाई के इक्वेशन में, तो हमेशा यहाँ पे एक्स लेस देन वाई होगा। तो यहाँ जहां पे माइनस होगा इसको कैसे मेमोराइज करेंगे, जहां पे माइनस होगा वही ग्रेटर देन हो रहा है इस केस में, एक्स ग्रेटर देन वाई और यहाँ पे एक्स लेस देन वाई आ रहा है। ठीक है, ये तो गया दो कंडीशन, और एक कंडीशन तीसरा वाला कंडीशन लेते हैं कि अगर a1x² b1x a2x² b2x - c2 = 0 हुआ तो देखिए ये सबसे इजिएस्ट रिलेशन निकालने का फॉर्मूला है। देखिए यहाँ पे माइनस माइनस दोनों इक्वेशन में अगर c1 और c2 के पहले माइनस माइनस आएगा
तो ये वो इक्वेशन कांट भी डिटरमाइंड होगा सीबीटी। यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन हो, प्लस हो माइनस हो या माइनस हो प्लस हो, कोई भी क्वेश्चन हो, हम लोग यहाँ पर नहीं देखेंगे, हम लोग देखेंगे सिर्फ, सॉरी यहाँ पे वाई होगा, हम लोग देखेंगे सिर्फ सी वन और सी टू के पहले वाला साइन। सी वन के पहले अगर माइनस हुआ और सी टू के पहले अगर माइनस हुआ तो हमेशा वो जो रिलेशन क्रिएट करेगा वो होगा कांट बी डिटरमाइंड, ठीक है, सीबीडी कांट बी डिटरमाइंड रूल। और एक रूल फाइव है, देखिए अगर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एफ फोर वाला रूल फोर, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए और वाई इक्वल्स टू रूट ए दिया हुआ है तो हमेशा उस केस में एक्स लेस देन इक्वल्स टू वाई, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोग देख के ही बता, यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या है प्लस ए माइनस ए और यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या है प्लस ए, तो प्लस ए प्लस ए तो इक्वल हो रहा है ना, तो यहाँ इस केस के लिए इक्वल और एक्स इक्वल्स टू वाई, और इस केस के लिए देखिए वाई हमेशा बड़ा हो रहा है, इस माइनस और इस प्लस में अगर कंपेयर करेंगे तो वही बड़ा आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग इजीली कह सकते हैं एक्सलेशन है। तो स्क्वायर और लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों दिया हुआ रहेगा तो हम लोग एक्सलेशन वाई करेंगे। और पांच नंबर जो केस है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए और वाई इक्वल टू रूट माइनस ए, यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा कांट बी डिटरमाइंड, क्योंकि देखिए ए एक इमेजिनरी नंबर है, रूट के अंदर अगर माइनस आ जाएगा तो इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर अगर रहेगा तो वो कांट बी डिटरमाइंड होगा उस केस में जो रिलेशन रहेगा। तो ये हम लोगों का शॉर्टकट ट्रिक्स गया कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर शॉर्टकट ट्रिक्स में दिया हुआ रहेगा तो कैसे हम लोग शॉर्टकट ट्रिक से कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखिए तो ये हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे इनइक्वालिटी से सॉल्व करेंगे हम लोग का इस वीडियो में हम लोग सीख लिए शॉर्टकट ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो ये वाला मेमोराइज करना पड़ेगा, अच्छे से मेमोराइज करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे एंड में जो मैं दिखाई हूँ वन टू थ्री वन वन वाला केस, टू वाला केस और यहाँ पे थ्री फोर फाइव, इन तीनों केस में जैसे हम लोग बिना पेन पेपर यूज किए कैसे देख के ही झट से बता सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग के एग्जाम में ऐसा कोई भी इक्वेशन आ जाए तो हम लोग यहाँ पे तो देख के बता सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा वाला कोई इक्वेशन नहीं आए तो हम लोग को ये मेमोराइज करना पड़ेगा, इससे हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा शॉर्टकट ट्रिक से, ऐसे ही आसानी से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं इनइक्वालिटी के पोर्शन, इनइक्वालिटी के पोर्शन में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा तो हम लोग इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ तो यहाँ पे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किए इस वीडियो में, मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं उसको हम आप लोग को बताऊंगी, उसका भी शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगी कैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो अगर इस वीडियो में मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करती वो बताई हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं लीनियर इक्वेशन इनइक्वालिटी के जो लीनियर इक्वेशन वाला क्वेश्चन आता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो सिखाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल रियलिस्ट कोचिंग।